नमस्कार, फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। रेगिस्तान सनसनी का स्थान है, जब हवा साएं साएं करके चलती है तो भूगोल बदल जाता है, नक्शा बदल जाता है। जब बाड़मेर की धरती से तेल निकला तो भी दुनिया भर में सनसनी फैली थी। ऐसी ही सनसनी फिर रेगिस्तान से एक बार फिर आई है। इस बार सनसनी राजनीतिक है। इस राजनीतिक सनसनी को फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, किसान मोर्चा के अध्यक्ष और बायतू के विधायक कैलाश चौधरी आज हमारे साथ हैं। कैलाश जी, जी आपने तो देश भर में सनसनी फैला दी। साहब, मैं मेरी बात पहले भारत माता की जय और वंदे मातरम से शुरुआत करूंगा कि वास्तव में जिस तरह से देश के अंदर माहौल बनता जा रहा है और जिस तरह से एक अराजकता का माहौल बनता जा रहा है, और कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल दे भारत माता के बारे में, तो ये किसी भी देशभक्त को सहन नहीं होगा। खासकर मुझे तो बिल्कुल ही सहन नहीं होगा कि मेरी माँ को कोई गाली दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और कोई भी देशभक्त इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैंने जो कहा बिल्कुल सोच विचार के और सही कहा है। कैलाश जी, लेकिन आपने तो सनसनी फैला दी, आपने तो इतना कड़क जवाब दिया, देश भर में इसकी चर्चा हो गई। जब जब देश के अंदर ऐसे लोग खड़े होंगे जो भारत माता को मुर्दाबाद कहेंगे या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और अफजल गुरु जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, तब तब यहाँ पर ऐसे राष्ट्रभक्त खड़े होंगे और जो वास्तव में ऐसा कोई भी देशभक्त सहन नहीं करा। इसलिए मैंने जो कहा है बिल्कुल, आज तो एक मैं कह रहा हूँ, आने वाले समय में ऐसा नहीं हो और भी कोई लोग कहे। जब आपने अंदर से बड़ा आक्रोश होकर कहा था, तब आपको लगा था कि इतना चर्चित ये स्टेटमेंट हो जाएगा? नहीं, चर्चित होना एक अलग चीज़ है और जो एक दिल की बात होती है वो अलग चीज़ है। मैंने जो कहा दिल से कहा है और आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से हर व्यक्ति जो आज वातावरण बन रहा है, भारत माता के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, आज कोई भी ये कह देता है कि भारत भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे, तो ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर और युवा को किस दिशा के अंदर ले जाने का काम वो लोग कर रहे हैं। इसलिए मैंने जो कहा है बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ भारत माता से जो भी प्रेम करता है उसको वंदे मातरम और भारत माता की जय कहना है और वास्तव में इसकी आज इस देश को आवश्यकता है। कैलाश जी, एक बात है कि आपकी नाराजगी अफजल गुरु से थी, कन्हैया से थी या राहुल गांधी से थी? मेरे को उस हर राष्ट्रद्रोही से नाराजगी है जो भारत के अंदर रहते हैं, भारत का खाते हैं और वहाँ जाकर दूसरे देश की जय बोलते हैं, उन सब से मेरी नाराज़गी है और निश्चित रूप से मैं जीवन के अंतिम क्षण तक मेरी ये नाराज़गी रहेगी, क्योंकि ये भारत माता ऐसे ही आज़ाद नहीं हुई। इस भारत माता को आज़ाद कराने के लिए कई देशभक्तों ने शहादत दी, कई देशभक्तों ने बलिदान दिया, तब ये भारत आज़ाद हुआ है। और आज ऐसे जयचंद जो यहाँ पर देश के अंदर आकर खड़े हो गए, जयचंद की औलादें जो आकर भारत के विरोध की बात करने वालों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, जैसे कि आज देख लें आप एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता और वो जाकर जहां पर घर घर में अफजल पैदा करने की बात करते हैं उनके साथ में खड़े होकर कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये की स्वतंत्रता। आप आज़ादी की बात कर रहे थे, वो राहुल गांधी यही तो कह रहे थे कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम बोलने की आज़ादी के लिए गए थे। हम अभिव्यक्ति की आज़ादी, भारत माता को मुर्दाबाद कहना या भारत माता को गाली देने की अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश के अंदर किसी भी किसी को नहीं है। इस जिसको भी अगर अगर ऐसा अभिव्यक्ति की आज़ादी उनको है तो हमारे जैसे राष्ट्रभक्तों को भी कुछ भी कहने का अभिव्यक्ति है, जो मैंने कहा। राहुल गांधी और कांग्रेस ये कह रही है कैलाश जी कि जो देशभक्ति का जो सर्टिफिकेट है वो भाजपा और भाजपा के नेता बांटने लगे हैं, और जो उनके हिसाब से बोलता है वो देशभक्त है और जो उनके हिसाब से नहीं बोलता वो देशभक्त नहीं है। आज उनको वंदे मातरम कहने में शर्म आती है, भारत माता की जय कहने में उनको शर्म आती है। आज अगर कोई भी देशभक्त होगा वो भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो उसको उस देश से कैसे प्यार हो सकता है। उनका कहना है कि संघ परिवार एक जानबूझकर अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए बाकी विचारधारा वालों को देश विरोधी का तमगा देने पर तुला हुआ है। देश विरोधी नहीं, भारत माता की जय बोले आप, भारत भारत के साथ में आकर भारत के लिए बात करें। आप ये ऐसे सभी को कहते हैं आप आइए, आप ऐसे हम क्यों ऐसा क्यों, जब एक पाकिस्तान के अंदर शहीद आफरीदी ने एक छोटा सा भारत की टीम की तारीफ कर दी उसको नोटिस थमा दिया गया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी भारत के पाकिस्तान के नागरिक ने तारीफ कर दी उसको 10 साल की सजा सुना दी गई, और अपने तो हिंदुस्तान के अंदर भारत माता को मारने की बात करें, भारत माता के टुकड़े होने की बात करेंगे, एक माँ को गाली देंगे, वो भारत माँ भारती की गाली को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
उनको अगर इतना ही प्रेम है दूसरे देश में तो वो पाकिस्तान जाएं या किसी दूसरे जिस मुल्क में जाना है वहाँ जाइए, लेकिन हिंदुस्तान में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। जेएनयू में पहले भी इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन ये मोदी सरकार आई उसके बाद ही ये सारा माहौल क्यों बनने लगा है? मेरे को जब भी मैंने सुना है मेरा तो खून खोल गया, मेरे से सहन नहीं होता। पर कैलाश जी, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, साथ में व्यवस्था है, यहाँ कानून का राज है, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या कई आईएसआई का किसी तंत्र का राज नहीं है, ऐसे में क्या लगता नहीं है कि हमें अगर देश के खिलाफ कोई बात उठ रही है तो उसको कानून सम्मत बात करनी चाहिए? कहीं हम उग्र विचारों के माध्यम से कहीं देश में उग्रता तो नहीं फैलाते? मैं कहता हूं अब हर राष्ट्रभक्त को ये होना चाहिए कि कानून भी बनना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कानून भी बनना चाहिए कि अगर कोई भी भारत माता की तोड़ने की बात करेगा या भारत माता को गाली देने का काम करेगा तो ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए कि उसके अंदर उनको या कम से कम सजा हो या उनको देश के अंदर वहाँ पर उनको बोलने की अभिव्यक्ति नहीं हो। जिसको अपने देश से प्रेम नहीं है वो जाए, अपने देश में कोई स्थान नहीं है। कैलाश जी, वो कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जय हिंद बोलेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय में कौन सी उनको शर्म क्यों आ रही है? और भारत को हमने माता माना है तो माँ जिसने जन्म दिया उसका नाम लेने में उनको शर्म आती है? ऐसे तो मैं सोचता हूँ इससे दुर्भाग्य उस माँ का अपमान किया उन्होंने, न कि उनको जिसने जन्म दिया उस माँ का भी वो अपमान कर रहे हैं। ये वही तो यही बात तो कहते हैं कि आप है ना जबरदस्ती संबंधों को थोप रहे हैं, माँ का संबंध। माँ का संबंध आज से, अगर वो व्यक्ति जो भारत माँ को जो अगर माँ को माँ नहीं मानता उसका अस्तित्व कहाँ से हुआ? अगर माँ नहीं होती तो क्या वो इस अस्तित्व में होता? लेकिन आप लोग चाचा नेहरू के चाचा होने पे तो ऑब्जेक्शन उठाते हो? नहीं, हमारे को कोई अगर उनको चाचा अच्छा लगे चाचा को नहीं चाहे, हमें क्या मतलब है उनसे, वो उनके ऐसे चाचा है। पर नेहरू पे भी आप सवाल उठाते हैं? नेहरू जी की वजह से आज को कहूँ जो जम्मू कश्मीर का जो विवाद है वो आज भी उन्हीं की बदौलत है। आज जम्मू कश्मीर का, उस समय समझौता हो गया होता तो आज जम्मू कश्मीर का दंश हमें नहीं झेलना पड़ता। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अगर कोई कारण है तो जवाहरलाल नेहरू जी है, जिसकी वजह से आज भी हम उनका दंश झेल रहे हैं। जो भी जेएनयू में जो घटना हुई वो एक प्रकार से एक इस बात पे तो है ही कि वो जिन लोगों ने भी की उन्होंने एक देश विरोधी घटना की, लेकिन क्या लगता नहीं है कि आपके बयानों के बाद जो सारी की सारी वो राजनीतिक उलझनों में उलझ गई और ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टकराव का एक कारण बन गई, इसके बजाय सारी राजनीतिक दल मिलकर, अगर ऐसे बयान नहीं आते, उग्रवादी बयान नहीं आते, सारे राजनीतिक दल मिलकर देश के खिलाफ जो आवाज़ उठी उसके खिलाफ मिलकर आवाज़ उठाते? जेएनयू के अंदर मैं तो सभी जितने भी युवा हैं उन सबसे मैं तो कहूँगा, मैं सबसे पहले हमारी मातृभूमि है, उसके बाद में और कुछ भी है। पर कैलाश जी, जिस तरह से जेएनयू का विवाद हुआ लगातार और बढ़ता जा रहा है, और अब तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी कह दिया कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, यानी कि ये जो टकराव है बढ़ता जा रहा है, आपको लगता नहीं है कि हम बातों में उलझ गए हैं, हम आपस में बातों के टकराव में आ गए हैं, कहीं ना कहीं समाज को ये और देश को गलत दिशा ले जा रहा है? ओवैसी ने जो शब्द कहा वो कितना, इस सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, कितने राष्ट्रभक्तों की आत्मा को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। आज हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम उन्होंने करने की बात उन्होंने लड़ाने के लिए ये बयान दिया है। आज हर मुसलमान ऐसा नहीं है, इस राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए भी मुसलमानों ने शहादत दी है। आज ऐसे देशभक्त मुसलमान भी यहाँ हैं, वो इस बात को नकार रहे हैं। ओवैसी सिर्फ एक है जो इस ये ऐसा करके भारत को जिस तरह से जिन्ना के समय में जिन्ना ने जिस तरह से अलग करने के टुकड़े किए थे वैसे के वैसे ये जिन्ना का रूप करके और भारत को अखंडित करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ऐसी अगर ताकतों को, मैं तो यही कहूँगा, ऐसी ताकतों को अगर शेय मिलेगा तो निश्चित रूप से कुछ पार्टियों के लोग भी उनके साथ खड़े हो गए। आपने जेएनयू की घटना पर कहा कि गोली मार देनी चाहिए जी, अब इस ओवैसी के बयान के बाद तो क्या है? उनको अगर अच्छा लगे तो वो पाकिस्तान जाकर रह सकते हैं या किसी और अन्य देश में जाएं, लेकिन हिंदुस्तान में भारत माता की काली को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कैलाश जी, आप जैसे जो उग्रवादी लोग हैं ना, किसके जैसे? आप जैसे उग्रवादी लोग। उग्रवादी थोड़ी हूँ मैं, राष्ट्रभक्त हूँ। पर आपकी इन उग्रवाद के कारण पूरा देश जो है पूरी तरह से दो खेमों में बढ़ गया, एक राष्ट्रवादी हो गए, दूसरे धर्मनिरपेक्ष हो गए, पूरा देश को ऐसे बांट दिया है। देवता और दानव अच्छा। की लड़ाई है, अब ये सदियों से होती रही है और निश्चित रूप से अंत में देवताओं की विजय हुई है और असुरी शक्तियां, अब उनका नाश होगा और निश्चित रूप से होना हो रहा है और आगे और ज़्यादा इनका नाश होगा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा उछल रहे हैं, लेकिन उनका अंत होने वाला है। वो अपने आप होगा या कुछ आप जैसे लोग कुछ करेंगे उसमें? अब जैसा
मौका लगेगा, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि भारत माता के लिए तो हम तो पहले से बचपन से यही सीखा, माँ के लिए जीना है, भारत माँ भारती के लिए प्राणों की आहुति देनी है। मैं तो जैसी बात की, पुकारती पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती, हमने तो बचपन से ये सीखा, इसलिए माँ भारती के लिए हम तो पर माँ की गाली, माँ भारती की गाली हम बर्दाश्त करें। कैलाश जी, ऐसा कहते हैं कि आपका जो स्टेटमेंट आया ना, आपने तो बॉर्डर को हिला दिया, बॉर्डर से ऐसे स्टेटमेंट देके, लेकिन आपके नेता बड़ी परेशानी में आ गए। आपके नेता वो कहने लगे कि जो राहुल गांधी जी थे, जो कांग्रेस के युवराज, वो जाकर स्टेट वहाँ जाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन देशद्रोहियों के साथ में खड़े होकर कहते हैं, आज उनको उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा, उनको ये याद नहीं आया कि जिस भारत माता के लिए आज देश की सीमा पर जो बैठा है वो सैनिक है, उस सैनिक के दिल पर क्या गुजरी होगी, और उस देशभक्त ने जिसने बलिदान दिया, शहादत दे, आज भी देश की सीमाओं पर जब भी कोई होता है तो उस समय जो शहीद होता है उसकी बहन है, उसकी वीरांगना है, वो आज भी उनके कई बहनों के आंखों के आंसू नहीं सूखे। और वहां तो जाकर ऐसे कुछ राहुल भी बोल गांधी तो कहते हैं कि उनकी दादी ने, उनके पिता ने भी इस देश के लिए बलिदान दिया। उन्होंने कोई बलिदान नहीं दिया था। अच्छा, आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता। उनको तो ये कमजोरी थी उनके प्रशासन की कि उनके खुद के अंगरक्षकों ने उनको उड़ा दिया। सबसे बड़ी देश के लिए नहीं दी, देश के लिए, देश के लिए तो सीमा पर जो शहादत देता है वो होता है। क्या कैलाश जी, आपको लगता नहीं है कि इस तरह के जो राजनीतिक विवाद जो शुरू हुए हैं, उन्होंने जो मूल विषय हैं, जो खेत किसान और फसल के जो विषय हैं, जो आम आदमी के विषय हैं, जो गरीब और गांव के लोगों के विषय हैं, उन सबको एक किनारे पे कर दिया? इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।